कानपुर के पनकी रतनपुर कॉलोनी में संकल्प सेवा समिति व मारुति नंदन सेवा समिति ने संयुक्त रूप से सोमवार को जरूरतमंद लोगों के लिए 57वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में इलाकाई लोगों के साथ युवाओं ने भी रक्तदान किया। वहीं रक्तदान करने वाले लोगों ने भी आगे रक्तदान करने का संकल्प लिया। संकल्प सेवा समिति के संतोष सिंह चौहान ने बताया कि हमारी संस्था सदैव गरीबों और असहाय लोगों की मदद करती है। लॉकडाउन के दौरान भोजन वितरण और ठंड में फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों को कंबल व गर्म वस्त्रों का भी वितरण किया गया है। कार्यक्रम में पनकी थाना अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने पुलिस टीम के संग लोगों से अपील की कि इसी तरह आगे भी रक्तदान करेंगे जिससे जरूरतमंदों की मदद हो सके। इस दौरान संतोष सिंह, विमल कुमार, उदय सिंह, नीरज चौहान, रजनीश चौहान, विजय मिश्रा आदि लोग मौजूद थे। कॉलोनी में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। एक मारुति नंदन सेवा समिति के द्वारा ये प्रथम रक्तदान शिविर है और हमारी संस्था संकल्प सेवा समिति के सहयोग से किया गया है। ये हमारा जो 57वां रक्तदान शिविर है, ये हमारी संस्था संकल्प सेवा समिति के द्वारा लगातार रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और जिसके द्वारा जरूरतमंदों को रक्त की उपलब्ध कराया जा रहा है। कोई भी नीडी पर्सन होता है उसको हम लोग रक्त उपलब्ध कराते हैं। कितने यूनिट रक्तदान? अभी तक करीब 12-13 लोग रक्तदान कर चुके हैं और एक अच्छी संख्या में रक्तदान होगा। जरूरतमंद होता है वो हमें कहीं से भी किसी से नंबर था हम लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। जिसको भी जरूरतमंद हो उसके पास ब्लड के लिए कोई डोनर ना हो उसको हम लोग एक डोनर कार्ड देते हैं, उसके तहत उसको ब्लड मिल जाता है।